20वीं सदी में दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक शख्स जिसका नाम एंड्रयू कार्नेगी था। इस शख्स का कहना है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो हर रोज एक दो घंटे खुद को यानी अपने आप को दीजिए। ये कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। आपका कुछ वक्त नींद में और ज्यादातर वक्त यानी टाइम काम पर गुजर जाता है और जो आपको एक दो घंटे फ्री मिलते हैं वही, जी हाँ वही एक दो घंटे आपके फ्यूचर को, कामयाबी को और मंजिल को डिसाइड करते हैं कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। इस फ्री टाइम में ही आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, गौर व फिक्र करते हो और अपनी किस्मत का डिसीजन लेते हो। आपकी जिंदगी इस दौलत की तरह है और हर सेकंड इस गिरते डॉलर की तरह जो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जब आप 60 सेकंड को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 3600। अब इसको मल्टीप्लाई करें 24 घंटे से तब बनता है 86,400 सेकंड यानी 86,400 सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करें 365 दिन से तो आंसर बनेगा 315,36,000। ये तो सेकंड से हैं एक साल के। जब आप इसको 60 सालों से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनता है 189 करोड़ यानी 189 करोड़। ये आपकी जिंदगी के कुल यानी टोटल सेकंड्स हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक। और आप एक दिन में 86,400 यानी लगभग 1,00,000 सेकंड्स फजूल या छोटी मोटी चीज़ों में गुजार देते हो। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है टाइम, जो चाहते ना चाहते बड़ी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी से जा रहा है। हर पाकिस्तानी यानी एवरेज हर बंदा एक दिन में 2 घंटे टीवी देखता है। इस तरह 20 करोड़ इवाम के 40 करोड़ घंटे एक दिन में ज़ाया हो जाते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चेज में पाया गया है कि हर रोज़ 1 घंटा टीवी देखने से कामयाबी के चांसेस 70% कम हो जाते हैं। इसी तरह हर इंडियन एवरेज 3 घंटे टीवी देखता है और 125 करोड़ इवाम के हिसाब से 375 करोड़ घंटे एक दिन में इंडिया जैसे मुल्क के टीवी पर ज़ाया हो जाते हैं, जो 4.2 यानी 4,00,000 साल से भी ज़्यादा बनते हैं। मेरे दोस्त, अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सोशल मीडिया की कहानी तो अलग है और जितना टाइम हम मोबाइल फ़ोन पर ज़ाया करते हैं कुल मिलाकर 5-6 घंटे से भी ज़्यादा बनता है। दोस्तों, इस फ्री वक्त को अपने लिए और ख़ुद पर इस्तेमाल करें। ये फ्री वक्त आपको नए नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन देकर कामयाब होने में हेल्प करेगा।